वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध और वांछितों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 100 सैया तिराहे से शराब तस्करी कर ले जाते दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब के 264 हाफ और एक क्रेटा कार और बिक्री के 25,000 रुपए बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार की अलसुबह पुलिस 100 सैया तिराहा पर चेकिंग कर रही थी। इसी बीच पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक कार में शराब तस्करी कर ले जाई जा रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोक लिया और चेकिंग करने पर उसमें हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब की 11 पेटी रखी हुई मिली। इस दौरान पुलिस ने दो शराब तस्करों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से शराब बिक्री के 25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम राकेश पुत्र सांवरे निवासी सीएफसी चौराहा वृंदावन और आरिफ पुत्र भोपा पुत्र अजीज निवासी गोविंद कुंड वृंदावन बताए गए हैं। आज वृंदावन में इंस्पेक्टर वृंदावन के नेतृत्व में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग की जा रही थी। उस चेकिंग के दौरान एक कार बरामद हुई। उस कार में हरियाणा मार्का शराब बरामद हुई, जो अवैध रूप से तस्करी करके लाई जा रही थी। उनके पास से दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, एक राकेश कुमार पुत्र सावरे और आरिफ पुत्र अजीज। ये दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इन दोनों अभियुक्तों के पास से 25,000 रुपये नकद भी मिले हैं। उनके द्वारा अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि ये 25,000 रुपये वो हैं जो शराब बेचने के बाद उन्हें मिले थे। इनकी एक इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ, जिसमें राकेश कुमार के खिलाफ पहले भी मुकदमे कायम हैं, इनके खिलाफ पहले से 6 मुकदमे हैं और आरिफ के खिलाफ भी पहले से 5 मुकदमे हैं। ये पेशेवर अपराधी हैं, इनके द्वारा तस्करी करके शराब लाई हरियाणा शराब लाई जाती है और उससे बेचा जाता है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।